नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ में सुरभि आनंद लेके आई हूँ आपके लिए कुछ खास खबरें। जी हाँ, कहते हैं कि बहाना देने वाले बस बहाना देते रह जाते हैं, वहीं कुछ कर गुजरने वाले किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल हासिल ही कर लेते हैं। आज हम आपको ऐसे कॉमेडियन की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी हिम्मत के आगे वक्त की एक न चली। ये कहानी है इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के कंटेस्टेंट जय छनियारा की। जी हाँ, आजकल जितनी बातें इंडियाज लाफ्टर चैंपियन की हो रही है उतना ही जिक्र जय छनियारा का भी हो रहा है। गंभीर बीमारी का दर्द झेल रहे थे कॉमेडियन, नहीं चल नहीं सकते थे, फिर भी सबको हंसाकर 17 साल बाद टीवी पर उनकी हुई वापसी। जी हाँ, 6 साल की उम्र से अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले जय आजकल इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में लोगों को लाफ्टर डोज दे रहे हैं। जय ने 17 साल बाद टेलीविजन पर वापसी की है और आते ही सबको पूरी तरह से हंसने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। 6 साल की उम्र से अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले जय आजकल इंडियाज लाफ्टर चैंपियनशिप में सबको लाफ्टर का डोज दे रहे हैं। आपको बता दें कि वो व्हीलचेयर पे बैठकर लोग दर्शकों को हंसा रहे हैं। जी हाँ, अपना हुनर दिखाने का जज्बा हर किसी में नहीं होता, लेकिन जय ने अपनी बीमारी को कभी कमजोरी नहीं समझा। काफ़ी कम उम्र में वह सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी से जूझने वाले जय आजकल स्ट्रांग बनकर एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। हालांकि उन्हें जब इस बीमारी का पता चला तो ये उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने अंदर छिपे कॉमेडियन को बाहर निकाला। आपको बता दें कि ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में जय छनियारा ने बताया कि बचपन में उनकी मम्मी पापा उन्हें गोद उठाकर स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए ले जाते थे, वहीं आज जब वो बचपन की फोटोज़ देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। इंडियाज लाफ्टर चैंपियन से पहले जय द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी नजर आ चुके हैं। वहीं सालों बाद अर्चना पुरंसी, शेखर सुमन और के शो में वापसी करके जय काफ़ी ही खुश है। आज जय शो में उसी तरह से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जैसा वो पहले करते थे। तो जय की इस हिम्मत को हमारा सलाम है। आपकी इस खबर पे क्या राय है आप हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। धन्यवाद।